हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ श्वेता और स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके साथ आलू और शिमला मिर्च की सब्जी की रेसिपी शेयर करूँगी। इसे बनाना बहुत इजी है और खाने में बहुत टेस्टी लगता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। और दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन दबाएँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आलू शिमला मिर्च की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 आलू और 3 शिमला मिर्च लिए हैं। सबसे पहले हम आलू और शिमला मिर्च को कट कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आलू को छील लेंगे, इसके छिलके निकाल लेंगे और इसे पीसेस में कट कर लेंगे। तो आलू को सबसे पहले अच्छे से पील कर लें। तो इसी तरीके से हमें दोनों आलू को अच्छे से छील लेना है। तो ये हमारा आलू छील के रेडी हो चुका है। अब अपने मनपसंद पीसेस में इसे कट कर लें। तो यहाँ पे मैं इसके थोड़े से बड़े साइज ही कट करूँगी। तो इस तरीके से आप इसे कट कर लें। हल्का सा मोटा साइज में इसे कट करना है, ज़्यादा पतला इसे कट नहीं करना है। तो इस तरीके से आप इसे कट कर लें। यहाँ पे मैंने आलू कट कर लिए हैं। अब हम शिमला मिर्च को कट करेंगे। तो सबसे पहले शिमला मिर्च के ऊपर वाले भाग को कट करके हटा दें और इसके अंदर जो भी भाग पार्ट है उसे भी हटा दें। तो वाइट जितने भी भाग दिख रहे हैं उसे कट करके हटा दें और इसे हम 4 भाग में कट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके साइज इतने ही रखने हैं। आप चाहे तो अपनी पसंद के पीस में इसे कट कर सकते हैं। तो ये हमारा आलू और शिमला मिर्च कट होके रेडी हो चुका है। अब इसे हम बॉईल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पानी रखा है बॉईल होने के लिए। पानी में इसे डाल दे और इसे उबाल आने तक 5 मिनट तक हमें बॉईल करना है। आप चाहे तो बिना बॉईल किए भी इसे बना सकते हैं, लेकिन उबाल आ जाने से इसके जो भी स्मेल है वो निकल जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें उबाल आ चुका है। तो इसे अब हम छान के निकाल लेंगे। अब हम आलू और शिमला मिर्च का सब्जी बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में 3 से 4 टेबल स्पून तेल डाला है। तेल जैसे ही गर्म हो जाए हम इसमें 1 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे, 2 तेज पत्ता डाल दें और फिर हम इसमें प्याज और हरी मिर्च ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 प्याज लिए हैं, इसे मैंने बारीक काट लिया है, और 2 मैंने हरी मिर्च लिया है, इसे हम डाल देंगे और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक हमें भूनना है। तो यहाँ पे हरी मिर्च और प्याज डाल के इसे हम तब तक भूनेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो यहाँ पे कलछी से इसे चलाते रहें। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्याज का कलर पहले से चेंज हो चुका है, ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो अब इसमें हम लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। तो 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दें और इसे भी हमें 2 से 3 मिनट तक भून लेना है। तो यहाँ पे मैंने गैस के फ्लेम को मीडियम रखा है। ये जैसे ही भून जाए अब इसमें हम टमाटर ऐड कर देंगे। तो 1 बड़े साइज का टमाटर इसमें ऐड कर देंगे और यहीं पे हम सूखे मसाले भी ऐड कर देंगे। तो 1 टीस्पून हम धनिया पाउडर ऐड कर देंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर दें, 1/2 टीस्पून हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे। ये मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है। आप चाहे तो नॉर्मल तीखे वाला लाल मिर्च का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। फिर हम इसमें नमक ऐड कर देंगे स्वाद के अनुसार, और 1 टीस्पून हम इसमें किचन किंग मसाला ऐड करेंगे। आप चाहे तो इसकी जगह सब्जी मसाला भी ऐड कर सकते हैं। और ज़रा सा पानी ऐड करके हम इसे भून लेंगे। तो इसे हमें तब तक भूनना है जब तक ये टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाता और मसाले हल्का सा भून नहीं जाते। तो यहाँ पे मैंने हल्का सा पानी ऐड कर दिया है ताकि मसाले जले नहीं, और इसे ढक के हमें पकाना है। तो यहाँ पर चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टमाटर पहले से सॉफ्ट हो चुका है। तो इसी बीच हम सब्जी डाल के मसालों के साथ इसे पका लेंगे। तो यहाँ पे सब्जी को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर ले। अब यहीं पे हम सब्जी में नमक ऐड कर देंगे। तो ध्यान रहे दोस्तों, नमक हमने पहले भी ऐड किया था, तो नमक ध्यान से ऐड करें। फिर हम इसमें गरम मसाला ऐड कर देंगे। 1/2 टीस्पून हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे और सब्जी को फिर से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक आलू हल्का सा सॉफ्ट नहीं हो जाता। तो इसे हम ढक के पकाएंगे। तो यहाँ पे इसे ढक दे और इसे पकने दे।
थोड़ी देर के बाद हम इसे चेक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्जी अभी अच्छा से पका नहीं है, यहाँ पे आलू सॉफ्ट नहीं हुआ है, तो इसे हम फिर से ढक के पकाएंगे। तो यहाँ पे फिर से इसे ढक देंगे और इसे पकने देंगे। थोड़ी देर के बाद हम इसे चेक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले से सब्जी काफ़ी सॉफ्ट दिख रहा है, यहाँ पे हल्का सा ये सॉफ्ट हो चुका है। सब्जी अभी पूरी तरह से नहीं पका है, तो इसे 2 से 3 मिनट के लिए और पका लेंगे। तो यहाँ पे कलछी से चलाते हुए 2 से 3 मिनट और पका लें और फिर इसमें हम धनिया पत्ते से गार्निश कर देंगे। और ये हमारा सब्जी बन के रेडी हो चुका है, इसे अब हम सर्व कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने आलू शिमला मिर्च की सब्जी को सर्व कर लिया है। आप इसे दाल चावल, रोटी, पराठे या टिफ़िन के लिए बना सकते हैं, ये बहुत टेस्टी लगता है।